अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्ला। वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट लाया हूँ। इसमें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो भी नीट MBBS BDS की जो काउंसलिंग होनी है उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो पूरा मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और कौन सी इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करनी है। तो पूरा मैं आप आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। उसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो नीट के एस्पिरेंट है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो जाएं, वहां पर भी हम डे टू डे अपडेट देते रहते हैं एकेडमिक्स के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। एक अलर्ट जो है वो जेके बोपी ने नीट एस्पिरेंट के लिए जो है यहाँ साइट पे जो है अपडेट दिया हुआ है। तो उसमें ये बताया हुआ है जो भी रजिस्ट्रेशन रहेगी, रजिस्ट्रेशन में बता दूं, रजिस्ट्रेशन जो है वो जिन्होंने नीट का पेपर दिया हुआ है और अब वो काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ये रजिस्ट्रेशन मैं समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक अलर्ट जो है वो जेके बोपी ने बताया हुआ है कि अपने फोन से जो है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा बल्कि पीसी लैपटॉप वगैरह का यूज करके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीसी पे, पहले बात तो ये कि फोन पे जो है मैंने ट्राई किया तो फोन पे जो है अभी खुलता नहीं है, ये पोर्टल जो है वो ओपन नहीं होता है। लेकिन हो सकता है किसी के फोन ओपन हो जाए लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन वहाँ कंप्लीट होती भी है लेकिन बोर्ड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उससे बेहतर है कि आप जो है लैपटॉप पीसी वगैरह का यूज करके, क्योंकि उन्होंने जो है स्पेशली एक अपडेट दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे डेली अलर्ट में जो है कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू यूज मोबाइल फोन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022। तो इस बात का भी ख्याल रखें। तो आगे हम चलते हैं, रजिस्ट्रेशन आपने कहाँ से करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको साइट पे आना है, साइट पे आके आपको नीचे आना है, नीचे आपको टैब मिलेगा नीट यूजी। खास ख्याल रखें यहाँ पर नीट के जो है दो टैब हैं, मैं आपको बता दूं आपने क्या किस टैब पे आना है। आपने आना है नीट यूजी आयुष पे, नीट यूजी आयुष पे आपने आना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप जो है रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाएंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह बताई हुई है, स्टार्ट रजिस्ट्रेशन डेट 13 अक्टूबर से और लास्ट जो है वो 16 अक्टूबर तक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप नोट करें। तो 16 से पहले ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको जो है कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिलेंगी, तो इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपने क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले आपको जो है नीट रोल नंबर जरूरत होगी, उसके अलावा ऑल इंडिया रैंक जो है आपको यहाँ पर डालना होगा, जो जो ऑल इंडिया नीट यूजी स्कोर, जो भी आपका नीट यूजी स्कोर है वो यहाँ पर आपने फिल करना होगा, और ऑल इंडिया नीट यूजी रैंक। तो यहाँ पर आपको जो है NTA का जो रैंक है वो आपने फिल करना है, ना कि जो जेके बोपी ने प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर आपने ऑल इंडिया रैंक डालना है, स्टेट रैंक नहीं डालना है, ऑल इंडिया रैंक डालना है। तो ये जो है इस बात का आप ख्याल रखें। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डालनी होगी, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, और डिटेल ऑफ 12th क्लास 10+2 आपने कब डेट जो है वो आप मार्क्स कार्ड पे जो है आप देख सकते हैं। जो आपकी रिजल्ट डेट रहेगी वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, जो 12th के मार्कशीट पे जो है रिजल्ट डेट रहती है तो वहां से आप जो है रिजल्ट डेट निकाल के जो है यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद 12th में कितने मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड और परसेंटेज जो है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो मार्क्स ऑब्टेंड है 10+2 में फिजिक्स केमेस्ट्री बायो इंग्लिश और ऑप्शनल जो भी इसमें है वो जो है आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो कैटेगरी है, कैटेगरी में आपको बता दूं यहाँ पर ओपन मेरिट जो भी अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं वो जो है ओपन मेरिट सेलेक्ट करें। SC है, ST है, वीक एंड अनप्रिविलेज क्लास, सोशल कास्ट OSC जिसे हम कहते हैं, अदर सोशल कास्ट, RBA है, ALC इंटरनेशनल बॉर्डर, और उसके अलावा CDP है, और एस स्पोर्ट्स कैटेगरी भी है, और JKPM की भी कैटेगरी है, और पुअर एंड बैकग्राउंड फैमिली PNB शॉर्ट में जिसे हम कहते हैं, और EWS और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स। ये जो है ये इतनी सारी जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है यहाँ एक्सेप्ट होंगी। तो जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो जो है अपनी कैटेगरी जो है सिलेक्ट करके फिर आगे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। तो आगे जो है आपको ईमेल देनी है, ईमेल जो है आपको जो आपकी ईमेल लॉगिन हो जिसपे OTP आएगा और OTP फिर वेरीफाई करना होता है, वो ईमेल यहाँ पर आप दें, क्योंकि आगे भी फर्दर ईमेल का जो है बहुत रोल रहता है काउंसलिंग में। और उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है अगर वैलिड है यहाँ पर यस करेंगे तो
क्योंकि वैलिड होनी चाहिए डेट जो है वो, उसको होनी चाहिए। अगर डेट उसमें नहीं है तो उसको जो है आप एक्सटेंड करा सकते हैं, वो जो है जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है तो वहां से जो है आप कैटेगरी जो है को जो एक्सपायरी डेट है उसको आप वैलिड करा सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं। उसके बाद यूटी लद्दाख के हो, जम्मू कश्मीर को रेजिडेंट वो सिलेक्ट करना है, और डिसेबिलिटी का अगर कोई स्टूडेंट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं, उनको जो है 17 अक्टूबर से पहले उनको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो बोपी ऑफिस फिजिकली वहां पर जाके उनको सबमिट करानी है। तो ये जो है इसमें खास ख्याल रखें। बाकी जो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनको जरूरत नहीं है कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है बोपी ऑफिस में जाने की, वो जो है सिर्फ डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही उन्हें बताया हुआ है। और डेट ऑफ इश्यू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप देख सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी उस पर ओटीपी जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड के बाद आपका जो है यहाँ से अकाउंट क्रिएट होता है। तो यहाँ से जो डिटेल आप देंगे वो आपको जो है फिर मेल में आ जाएगा या SMS में आ जाएगा, वहां पर आपको ये मैसेज आएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। तो जो ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे और फिर आपको फर्दर डिटेल यहाँ से आपको ये मांगेगा, जैसे कि फादर्स नेम है, आधार नंबर है, और जो बेसिक डिटेल है वो जो है आपसे यहाँ मांगेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है आपको जो भी साइज है वो आपको उसका ख्याल रखना है, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, मैंने इसे पहले भी आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं। यूजी नीट का जो है स्कोर कार्ड लगना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, 10+2 मार्कशीट लगनी है, और मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट, अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो है इतने सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना है नीट रजिस्ट्रेशन के लिए। और एक बार फिर से मोबाइल से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, मोबाइल सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और उन्हें ये भी बताया हुआ है जिसकी डेफिशिएंसी रहेगी कि उसका कैंडिडेटर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये जो इस बात का पूरा ख्याल रखें, PC लैपटॉप वगैरह से अगर आप यूज करके जो है आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था नीट UG के रिलेटेड। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें मैसेज कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो मिल सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए।